यह कहानी उत्तर प्रदेश के भदोही जिला भोली ब्लॉक गांव मतेठू की है। यहां पर सुरेश अग्रहरी पत्नी सीमा अग्रहरी अपने नव परिवार के साथ रहती हैं, जो रमा इनकी दूसरे नंबर की लड़की है। उसकी शादी 9/3/2012 को नीरज अग्रहरी के साथ हुई थी। रमा अपने घर से 12/12/2012 को गायब हुई है। सीमा का कहना है कि मेरी लड़की जही जहाँ कहीं भी हो उसका पता लगना चाहिए। आप किस लिए यहाँ पे आई हैं? हम आए हैं दीदी को अपने लड़की की शादी की थी भदोही में। मेरी लड़की 6 महीने के दिन हो गया अपने ससुराल से गायब हो गई। आज तक कभी पता नहीं चल रहा है। हम थाने जा रही हैं ज्ञानपुर और जो भदोही, मगर कहीं हमारा सुनवाई नहीं दे रहा। रिपोर्ट दे रही है, रिपोर्ट लेके रख लेते हैं पुलिस लोग, मगर उसका जवाब नहीं हमको देते हैं। कहीं पता नहीं चल रहा है मेरी लड़की है कि नहीं। सूर्याओं भी गए तो सूर्याओं वाले थाने में बोले कि आपका मर्डर है जान बज्ञान भदोही जाइए। भदोही गए तो भदोही से कागज़ दिए, सगर से कागज़ दे करके चले आए, मगर 6 महीने दिन हो गया कहीं पता नहीं चला। फिर बीच में आए यहाँ भदोही रिपोर्ट कराए। आप किस लिए यहाँ पे आई हैं? हम आए हैं दीदी को अपने लड़की की शादी की थी भदोही में। मेरी लड़की 6 महीने के दिन हो गया अपने ससुराल। हम सीमा के बारे में ये कहना चाहते हैं कि हमारे समूह की सदस्य महिला सीमा देवी हैं, और ये 2-4 बार क्या 10 बार हर अधिकारी के पास जा रहे हैं। क्या ये गरीबी को कोई सुनाई हो रखा कि वही बात है कि तो हमने 100-150 नहीं, हमने 10-10 हज़ार महिला हैं और जौने अधिकारी के पास जाएंगे और हाथ में हाथ जोड़ के जाएंगे और उसको सुनाई भी करना पड़ेगा, मजबूरन करना पड़ेगा। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करती हूँ कि भदोही जिला के पुलिस अधीक्षक का मोबाइल नंबर 94-54-40-030-7 के मोबाइल नंबर पर दबाव बनाएं ताकि सीमा की लड़की का पता चल जाए। मैं केसा देवी, गांव मतेथू, ब्लॉक अभोली, जिला भदोही, उत्तर प्रदेश, इंडिया अनहर्ड के लिए।